प्रदर्शन सिविल सेंटर में किया गया। कांग्रेस जन हजारों की संख्या में एकत्रित हुए। नगर निगम द्वारा गरीबी रेखा के नाम काटने एवं पक्षपात को लेकर नगर निगम का घेराव किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया के नेतृत्व में घेराव किया गया। बता दें कि चुनाव की सुबुगाहट के साथ ही हर एक सत्ता दल हो या विपक्षी दल, लोगों का विश्वास तो जीतने का कार्य करते ही हैं, लेकिन क्या आंदोलन और धरने से जमीन से जुड़े लोगों तक लाभ पहुंच पाता है, ये तो हम और आप बखूबी जानते हैं। बहरहाल कैसे कांग्रेसी दल राहत पहुंचा पाएंगे ये तो समय ही बताएगा। देखिए, जबलपुर शहर की आम जनता की बुनियादी समस्या, इसको लेकर आंदोलन की शुरुआत लखन घनघोरिया जी ने की है, इसके पहले विनय सक्सेना जी ने की, आगे हमारे क्षेत्र में भी होगा। हमारा सिर्फ ये कहना है कि आम जनता जो जबलपुर की टैक्स दे रही है, धूल भरी सड़कें, गड्ढे भरी सड़कें, पीने का पानी नहीं, लाइट नहीं, टैक्स भरपूर, अगर इसके खिलाफ आंदोलन नहीं होगा तो कब होगा? आंदोलन तो होगा ना। और जिला प्रशासन की अराजकता के खिलाफ कांग्रेस परिवार का एक विशाल धरना प्रदर्शन है। नगर निगम सिर्फ और सिर्फ एक व्यावसायिक संस्था बन के रह गई है, सिर्फ अपना धंधा कर रही है, जनमानस की सुविधाओं से उसको कोई लेना देना नहीं। इन तमाम बातों को लेके, जनता की सुविधाओं की अनदेखी को लेके, जनता में व्याप्त असंतोष को लेके आज ये हमारा धरना प्रदर्शन है जो नगर निगम के घेराव के साथ समाप्त होगा। हमारा नारा रहेगा, सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं।